हेलो एवरीवन, आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10.1 एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, विनाइल एंड अराइल। ठीक, हमें ये पांच तरह के हैलाइड्स हमें होते हैं कंपाउंड्स, इनमें डिफ्रेंशिएट करना है किस टाइप का है। एंड ऑल्सो वी हैव टू डिफाइन दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करें, हम बेसिक पहले जान लेते हैं। अब बात करते हैं कि अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग हम कर लेंगे, लेकिन अल्काइल हैलाइड की हम बात कर लेते हैं कि हम किसे कहें। देखिए, अल्काइल हैलाइड सिंपल सा आप इस तरह से देख सकते हैं, कोई भी कंपाउंड जिसमें एक भी डबल बॉन्ड ना हो, दैट विल बी ऑलवेज अल्काइल हैलाइड। ठीक, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कोई भी हैलाइड लगा हुआ हो, उस पूरे कंपाउंड में कहीं भी डबल बॉन्ड ना हो, तो वो 100% एक अल्काइल हैलाइड होगा। दूसरी बात कर लेते हैं विनाइल हैलाइड की। विनाइल हैलाइड के केस में क्या होता है कि एक डबल बॉन्ड होगा और उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई ना कोई एक हैलोजन ग्रुप लगा हो, ये होगा हमारा विनाइल हैलाइड। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप इस तरह से देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ना हो, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कार्बन था और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो आप ये देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसी कार्बन से हाइड्रोजन हमारा लगा हुआ है। इस तरह के हैलाइड्स को हम विनाइल हैलाइड बोलेंगे। तीसरा हमारा आता है अल्काइल हैलाइड, सॉरी नॉट अल्काइल, अलाइल हैलाइड। अलाइल हैलाइड के केस में क्या होगा कि डबली बॉन्डेड कार्बन जो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, उसके नेक्स्ट कार्बन से कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप लगा हो, ठीक, इस तरह के हैलाइड्स को हम अलाइल हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एबव केस की ही बात कर लें तो CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इस जितने कार्बन लगा होगा इस कार्बन पर अगर हैलोजन हो तो ये क्या हो गया, अलाइल हैलाइड कहलाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट है हमारा दो केस और बचा हुआ है जिसमें एक बेंजाइल है। बेंजाइल नाम से ही क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बेंजीन होना चाहिए और इस बेंजीन से एक कार्बन लगा हो और इसी कार्बन पर हैलोजन लगा हो, इसी कार्बन पर, कोई और कार्बन पे नहीं, सिर्फ इसी कार्बन, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। और एक लास्ट जो हमारा आता है वो है, जो लास्ट हमारा आता है वो है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड बहुत ही आसान सा है फाइंड आउट करना, इसमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कोई ना कोई हैलोजन ग्रुप लगा विदाउट एनी कार्बन एटम इन बिटवीन, ठीक है, बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं होगा, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हैलोजन लगे होंगे, इन्हें हम अराइल हैलाइड बोलेंगे। ये पांच तरह से हम हैलाइड्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी टाइम हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन है CH3 होल ट्वाइस CH, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 होल ट्वाइस हो गया और ये CH, फर्दर है CH
CH3 एंड दिस वन इज Cl. नंबरिंग करें स्टार्ट, 1, 2, 3, 4. तो अल्फाबेटिकली हम चलेंगे, 2-chloro-3-methyl और 1, 2, 3, 4. तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन? तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है ही नहीं. अब सिंस कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये हमेशा क्या होगा, अल्काइल हैलाइड. ठीक, नेक्स्ट बात, अब हमें बताना है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है. जब भी हमें ये फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा है आप उस कार्बन को सर्कल कर दें. ठीक, अब ये सर्कल जितने कार्बन से ऐड होगा वही इसकी डिग्री बताया. ठीक, जैसे ये सर्कल जो हमने किया है ये इस कार्बन से लगा हुआ है और एक इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हैलाइड होगा. 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी. ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 1. आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान सा है, CH3, CH2, CH, CH3, फर्दर है CH, Cl और C2H5 को हम ओपन कर ले तो CH2CH3 हो जाएगा. अब नंबरिंग स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो क्या हो जाएगा, 3-chloro-4-methyl और 6 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो क्या हो जाएगा HCl. अगेन किसी भी तरह कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड. अब बात कर लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की. इस वाले कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, हमने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया. अब ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से लगा हुआ है, एक ये और एक ये, ये क्या होगा 2 डिग्री. अभी भी मैंने बताया 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी. ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. CH3 CH2 CH3 होल ट्वाइस कर लें. फिर CH2 और इसी CH2 से लगा हुआ क्या आयोडीन. नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4. तो अल्फाबेटिकली क्या आएगा, आई पहले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1-iodo-2,2-dimethyl-1,2,3,4 ब्यूटेन. ठीक, अगेन ये अल्काइल हैलाइड होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिसमें जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एकदम है ही नहीं तो हमें ये सोचना ही नहीं कोई और केसेस के बारे में, वो हमेशा क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड होंगे. अब बात कर लेते हैं ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है. इस वाले कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है आयोडीन, हम इसको क्या कर दें, सर्कल कर दें. अब ये सर्कल कितने नंबर ऑफ कार्बन से लगा हुआ है, सिर्फ एक. ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री. 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, CH3 होल ट्वाइस. ओके, CH3 होल ट्वाइस. नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा सी एच टू, सी एच, सी आर एंड सी टू एच फाइव, सी सिक्स एच फाइव, ठीक। सी सिक्स एच फाइव मतलब होता है बेंजीन, सी सिक्स एच फाइव का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन रिंग को एज अ प्रीफिक्स हम फिनाइल लिखते हैं, ओके। बात समझ में आ गई, चलिए तो अब इसकी नंबरिंग कर ले, वन टू थ्री फोर, तो क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो, अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, तो वन ब्रोमो, वन फिनाइल, वन ब्रोमो वन फिनाइल, फिर थ्री कॉमा थ्री डाइमिथाइल, थ्री कॉमा थ्री डाई मिथाइल, चार कार्बन है पैरेंट चेन में, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब बात करते हैं कि ये किस तरह का हैलाइड है, अल्काइल है, विनाइल है, एराइल है या कोई और, ठीक है। आइए बात करते हैं, हैलोजन को हम देखेंगे, हैलोजन इस वाले कार्बन पे लगा हुआ, और मैंने अभी भी बताया कि बेंजीन रिंग के लगा हुआ कार्बन, ठीक, इस कार्बन से अगर कोई ब्रोमीन लगा हुआ है या कोई भी हैलाइड लगा हुआ है तो हम इसे बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक। जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पर, ठीक, इस वाले कार्बन पर लगा होता तो हम इसे बेंजाइल हैलाइड नहीं बोलते, हम फिर इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, आप इतना ध्यान दें। और अगर ये ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन से लगा होता तो एराइल हैलाइड हो जाता, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी की, तो इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब ये इस वाले कार्बन से लगा है और इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, ओके। मतलब बात समझ में आई, ये बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच फिर है बी आर एंड सी एच थ्री, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन, वन टू थ्री फोर, ठीक है, होगा टू ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। टाइप ऑफ हैलाइड, इसमें कोई इसी तरह कोई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड ना बेंजीन रिंग, तो ये क्या होगा अल्काइल हैलाइड, ठीक। अब ये बात कर ले कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी, ठीक है। अगेन अब बार बार एक ही चीज रिपीट करने की जरूरत है नहीं, इस वाले कार्बन से लगा हुआ है एक और ये दो, ये क्या हुआ टू डिग्री या फिर सेकेंड डिग्री, ठीक। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, सी एस थ्री फिर है सी सी टू एच फाइव, तो सी टू एच फाइव को ओपन कर लें, सी एस टू सी एस थ्री और इधर भी सी एस टू सी एस थ्री, फिर है सी एस टू बी आर, ठीक है। नंबरिंग कर लें, वन टू थ्री फोर, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे, वन ब्रोमो, फिर टू पर क्या है इथाइल, टू मिथाइल, और फिर आपका क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं। अब अगेन आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा ये किस टाइप का हैलाइड है, इथाइल हैलाइड है, ठीक। और टाइप ऑफ हैलाइड की बात कर लें, सेकेंडरी या और कोई, आइए देखते हैं,
किस वाले कार्बन से हमारा हेलाइड लगा हुआ, किस वाले कार्बन से, और ये कितने नंबर ऑफ कार्बन से लगा हुआ, सिर्फ एक ये वाला, और किसी कार्बन से तो लगा नहीं है, ये क्या होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। ठीक है, तब बात समझ में आ गई, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाने वाले, आसान आसान से क्वेश्चन है, बेसिक क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, CH3 CCl C2H5, ये आपको CH2 CH3 हम लिख ले ओपन करके, और फिर आपका हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, यही है CH3 CCl C2H5 एंड अगेन C2H5 CH2 CH3। नंबरिंग स्टार्ट करें, नंबरिंग किधर से स्टार्ट हो आप मुझे इसमें ये बताइए, तो हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से होगा हमारा, आप चाहें तो ऊपर से नीचे जा सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 पर आपका क्या है, क्लोरो, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 पर क्लोरो 3 पर मिथाइल, ये तो साइड चेन हो गए, अब 1 2 3 4 5 है तो क्या देगा, पेंटेन। किस तरह का हेलाइड होगा जी, अल्काइल हेलाइड होगा। ठीक, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा, तो इस वाले कार्बन से लगा हुआ है तो हमने क्या किया, सर्कल कर दिया, ये कितने कार्बन से लगा है, एक ये और एक। ठीक, ये आपको क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए भाई यही दिक्कत नहीं है तो हम इसको वेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कि CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसी से लगा होगा क्या, क्लोरीन, फिर है CH2 CH, CH3 होल ट्वाइस है तो हमने CH3 होल ट्वाइस नंबरिंग करेंगे, तो इधर से हो गया इधर से, अब इधर से हमें मिनिमम लोकल नंबर किस पर रखना होगा, डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपका हो जाएगा 3 क्लोरो 5 मिथाइल 3 क्लोरो 5 मिथाइल। 6 है क्या हो जाएगा, X2E। ठीक, 3 क्लोरो 5 मिथाइल X2E। अब टाइप ऑफ हैलाइड की बात करें तो आप देखिए, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कोई हैलोजन लगा होगा तो हम उसे विनाइल हैलाइड की कैटेगरी में कैटेगराइज करें। ठीक, ये भी हो गया, अब आप मुझे इतना बता दें कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी। ठीक, तो अगर आपका आंसर सेकेंडरी है, मुबारक को, आप सही हैं, 1 2 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। ठीक, ये भी हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर है आपका C, फिर आपका ब्रोमीन, तो इसमें ब्रोमीन लगा दें, ये हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हमें हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, और आपका है CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका एक CH3 और ये CH3, ये कंपाउंड में गिव है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, ये आपको क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो
एंड फोर पर ही क्या है, मिथाइल भी है, तो फोर ब्रोमो फोर मिथाइल पेंट पेंट टू इन टू इन। ठीक, अब टाइप ऑफ हैलाइड की बात कर लें क्या, अब जो दे डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली तो ब्रोमीन लगा हुआ नहीं है, नेक्स्ट कार्बन से लगा है, और नेक्स्ट कार्बन से लगा है तो हम इस तरफ कार्बन क्या बोलेंगे, यस एलाइल एलाइड, ये हमारा एलाइल एलाइड। ठीक, अब हम इसको क्या कर दें, सर्कल कर दें। अब बताइए ये इस कार्बन से लगा है, एक इससे लगा है और एक इससे लगा है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो बस बात समझ में आ गई, बात समझ में आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है कि ये जो क्लोरीन है, ठीक है, बेंजीन से पहले जो भी लिखे हुए हैं, ये जो क्लोरीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या पैरा पोजिशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन बना लें और हम क्लोरीन लगा दें। ठीक, C6H4 हमने बना लिया, फिर है CH2, फिर है CH3 का होल्ड पर, CH3 का होल्ड। ठीक है, नंबरिंग करें क्या, ठीक है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या जाओ 1 क्लोरो, ठीक है, ये हो जाएगा 1 क्लोरो। अब हमें साइड चेन में भी नंबरिंग करना हो, क्योंकि ये साइड चेन क्या है, काफी बल्की है, ये 1, 2, 3, 4 क्लोरो या पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, तो ये प्रोपेन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर खुद एक साइड चेन की तरह है, ये प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक, 1 क्लोरो 4 पर क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, और फाइनली हमारा क्या है, बेंजीन। तो ये तो हो गया इसकी IUPAC नेमिंग। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हैलाइड की, तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप एडेड है, तो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, हैलाइड। अब ये बात कर लेते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन से हैलोजन लगा है, और ये कार्बन एक इस वाले कार्बन से लगा है और एक वाले कार्बन से, क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, यहाँ पर M है, M मतलब मेटापर, मेटापर क्या है, ये देखिए मैंने बताया था कि मेटा और इस C6H4 के बीच में जो भी होंगे वो मेटा पोजिशन पर होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेंजीन बना लें। ठीक है, और जनरल जो मेटा पोजिशन माना जाता है उसे हम बना लेते हैं, और इस पर क्या है हमारा CH2Cl, मेटा पोजिशन पर CH2Cl, और फर्दर है आपका CH2 CH3 CH3 एंड। ठीक, नंबरिंग कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 पर क्या होगा आपका, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक, 3 पर क्या होगा आपका, तो साइड चेन में भी नंबरिंग करना होगा, बल्कि है तो 1, 2, 3, तो क्या है, 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक, अब ये तो साइड चेन के काम हो गए, अब फिर फाइनली क्या है आपके पास, बेंजीन, तो आप बेंजीन लिखो। ठीक, अब टाइप ऑफ हैलाइड की बात कर लें, तो देखिए बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्लोरीन लगा हुआ नहीं है, एक कार्बन के बाद लगा हुआ है, तो ये आपको क्या होंगे, ये होंगे आपके
ये होंगे आपके अराइल, नॉट अराइल, ये होगा आपका बेंजाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड। ठीक, अब सेकेंडरी होगा क्या इस वाले कार्बन से? देखिए इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन लगाया तो हमने इसको सर्कल कर दिया। अब ये सर्कल सिर्फ इसी कार्बन से लगा, और किसी टाइप ऑफ कार्बन से नहीं लगा है। तो आप इसे 1 डिग्री बोल सकते हैं या फिर आप इसे प्राइमरी बोल सकते। ठीक, चलिए अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब पैरा हो गया, मेटा हो गया, तो बचा कौन? ऑर्थो, और वही नेक्स्ट वाला है। ठीक है, ऑर्थो पर क्या है? ब्रोमीन है। ठीक, ऑर्थो पर ब्रोमीन है, वेरी गुड। फिर क्या है? सी एच, इसी सी एच पर लगा हुआ है सी एच थ्री, फिर है सी एच टू सी एच थ्री। नंबरिंग कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 पर क्या है? ब्रोमो। ठीक, 1 पर ब्रोमो, 2 पर अगेन बल्की ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो साइड चेन नंबरिंग होगा 1, 2, 3। 1 पर क्या है? मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक, तो साइड चेन हमारा हो गया। फिर फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? बेंजीन। ठीक है, अब टाइप ऑफ हैलाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग से आपका ब्रोमीन लगा हुआ है। आपका ये क्या होगा? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में भी सिंस ये ब्रोमीन है, आप इसे अराइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। ठीक है, हैलाइड एक जनरल नेम है। ठीक है, हैलोजन्स के लिए। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्लोराइड, आयोडीन होता तो आयोडाइड, क्लोरीन होता तो फ्लोराइड। ठीक है, तो आपको इससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। और अगेन बात कर लेते हैं लास्ट, ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। इस वाले कार्बन से ब्रोमीन लगा है। ठीक, और ये कार्बन इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से, दो कार्बन से लगा है। तो 2 डिग्री और सेकेंडरी। ठीक, ये था आपके नॉर्मल क्लेचर के कुछ इजी इजी क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, मैं सबको इजी नहीं कर सकता लेकिन फिर भी ठीक, ठीक है ओवरऑल ठीक। तो आइए अब कुछ अगले क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। एक और एक क्वेश्चन है अपने पास, ये इसको अभी बाद बात करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, हमें मैचिंग कराना है कि किसका क्या हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका जनरल एल्केन, ये आपका क्या जनरल एल्केन, एल्केन में कहीं भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, आपका क्या हो जाएगा? ये अल्काइल, ये आपका क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ए का कौन सा होगा? ए का ऑप्शन जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, एक आपका जगह कहाँ? सेकेंड पर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ए का हो गया आपका। अब बी की बात कर लेते हैं। बी क्या है कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और फिर है सी एच टू एक्स। ये देखिए, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन नहीं लगा है, उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन से लगा है। अगर डायरेक्टली से लगा होता तो हम इसे विनाइल कहते, लेकिन सिंस ये डायरेक्टली से नहीं लगा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे अलाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, आपका बी का कौन सा ऑप्शन हुआ? बी का अलाइल 4 हुआ। ठीक, चले सी की बात कर लेते हैं। सी तो एकदम आसान सा है, सी क्या है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से क्या है? हैलोजन लगा हुआ है, तो ये अराइल हैलाइड हो जाएगा। तो सी का ऑप्शन 1, सी का। ठीक, और डी का? डी आप देखिए, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन आपका लगा हुआ है। ठीक है, और इस तरह के डबल बॉन्डेड जब भी होते तो उनको क्या बोलते हैं? विनाइल। तो डी का आपका कौन सा चला जाएगा? सी। ठीक है,
तो ये आपकी कोडिंग सही हो, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्लास का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जो एक स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है। इस रिएक्शन का एक रिएक्शन है, ये बेसिकली स्टेडल ग्राफ असाइलेशन रिएक्शन है, हमने इसको क्लास में भी डिस्कस किया था थ्योरी के दौरान, एक बार फिर से डिस्कस किया था। क्या इनिशियली आपको क्लोरोबेंजीन गिवन है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ये अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है लगने के लिए, ठीक है, ये ऑर्थो हो गया और एक ये पैरा हो गया, दोनों ही पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर लगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, तो ये आपका CH3COCl गिवन है प्लस एक लुईस एसिड दैट इज AlCl3 गिवन, ठीक है, AlCl3 आपको पता है लुईस एसिड है, ठीक है, और क्लोरीन के पास एक लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर, ठीक, जब ये लोन पेयर अपने डोनेट करेगा तो CH3COCl AlCl3 और एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन पर प्लस चार्ज, क्योंकि ये इसने क्या किया, डोनेट, ठीक है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एक, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है कि दोनों पेयर एटम्स जो है इनको ले करके निकल जाते हैं, फाइनली आपको CH3CO+ ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या बना, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ CH3CO+, ठीक है, ये आपका प्लस है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब क्या, इलेक्ट्रोफाइल अब पता चल गया तो अब सबको कुछ करना ही नहीं है, सबको पता है कि क्लोरीन जो है क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आपने क्लोरोबेंजीन लिया, इस पर इस इलेक्ट्रोफाइल का क्या किया, अटैक, आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा, तो एक बार आप इसको ऑर्थो पर लगा दें, क्लोरीन और COCS3 प्लस, सेकेंड टाइम पर इसको पैरा पर लगा दें, CO CH, आपको दो प्रोडक्ट बन जाए, आप इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरो एसिडोफिनोल, ठीक है, आप इस पूरे कंपाउंड को एसिडोफिनोल बोलते हैं, और ऑर्थो पोजिशन क्या है, क्लोरो, तो ऑर्थो क्लोरो एसिडोफिनोल, और इस पोजीशन पर अगेन ये क्या है, एसिडोफिनोल है, तो ये और क्लोरीन आपका पैरा पोजीशन पर है, तो ये पैरा क्लोरो एसिडोफिनोल, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट था, इसके नॉमनक्लेचर थे, ठीक है, बहुत इजी भी नहीं थे और बहुत टफ भी नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम फर्दर अपने सॉल्यूशन को आगे, थैंक यू सो मच।